हेलो एवरीवन, आज से हम व्यंजन वर्ण की दूसरी लाइन की पहली वर्ण सीखेंगे। व्यंजन वर्ण कहाँ से शुरू होता है? क, ख, ग, ख, अंग। अंग के बाद क्या आता है? ये च आता है। ये क्या है? ये च। च से चम्मच। क्या है ये? च से चम्मच। ये देखो, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, और यहाँ से इसको टर्न करके यहाँ तक जोड़ना होता है। ये है च। च से चम्मच। ये है चम्मच। चम्मच से हम क्या खाते हैं? सूप खाते हैं, कभी कभी पेस्ट्री खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, है ना? ये च से चम्मच है। हम अपनी अभ्यास पुस्तिका की बुक में देखेंगे, ये च है। च से चम्मच। च से चरखा। च से चटाई। च से चम्मच मतलब स्पून। च से चरखा मतलब ये एक सूता निकालने वाला आइटम होता है, जिससे हम जूट या कोई भी धागा निकालते हैं इसमें डाल के। ये है चरखा, एक व्हील के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। च से चटाई। चटाई मतलब जो नीचे इसको ले आउट करके हम नीचे इसको फैला के यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, यहाँ पे योगा भी कर सकते हैं। ये है चटाई। च से चम्मच। च से चरखा। च से चटाई। अब चलो, च से और क्या क्या चीज़ें होते हैं ये भी देख लेते हैं। च से और बहुत सारे चीज़ें होते हैं। बच्चों, ये क्या है? ये चौ है। ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसको ऐसे करके ऐसे घुमाकर लिखना होता है। ये चौ है। चौ से चरखा। चौ से चांद। चौ से चील। चौ से चम्मच। चौ से चटाई। चौ से सीटा। चौ से क्या क्या होते हैं? चौ से चरखा। चौ से चांद। चौ से चील। चौ से चम्मच। चौ से चटाई। चौ से सीटा। और हमने बुक में क्या क्या देखा? बुक में क्या क्या है? चौ से चम्मच। चौ से चरखा। चौ से चटाई। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं चौ को कैसे लिखेंगे। ये पहले स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ डाला स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन, और जहाँ ख़त्म किया वहाँ से इसको टर्न करके इधर, ये हो गया च। ये च ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके हम ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये चौ है। चौ से क्या होता है? चौ से चम्मच। ये क्या है? चम्मच। चौ से चम्मच। अब हम देखेंगे वर्कबुक में इसको कैसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे वर्कबुक में क्या है। चौ से चप्पल है। चौ से क्या है? चप्पल। इस चप्पल को आप लोग रंग भरेंगे, और बुक में जो चम्मच वाला पिक्चर है उसमें भी रंग भरेंगे। सबसे ऊपर डेट लिखेंगे आज का। ट्वेंटी नाइन नाइन 2020। फिर चौ को लिखेंगे हम।
ये स्लिपिंग लाइन जहाँ ख़त्म किया वहाँ से टर्न करके इसको ऐसे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर से स्लिपिंग लाइन, बन गया च। कैसे लिखेंगे ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। एक ब्लैंक वाली जगह में मैं दिखा देती हूँ, कैसे लिखोगे ये स्लिपिंग लाइन। यहाँ से इसको मोड़ कर इसको ऐसे, फिर यहाँ से इसको जोड़ना, फिर ऊपर से स्लिपिंग लाइन, बन गया ये च। कैसे लिखेंगे ये ऐसे करके, ऐसे बन गया च। मेरी दिखाई हुई ट्रिक की तरह आप लोग भी ऐसे लिखिए, और इसको ख़त्म करने के बाद हमें कॉपी में भी करना है। अब हम कॉपी में देखेंगे च को कैसे लिखेंगे। ये यहाँ पे ऐसे लिख के एक बड़ा सा च बना लेंगे। यहाँ पे च से क्या होता है, चम्मच, चम्मच, और च से चप्पल होता है, च से चरखा होता है, वो सब हमें याद करके रखना है। कभी कभी हमें उसके नाम चाहिए होते हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सा च और साइड में ये चम्मच। यहाँ पे हम तीन च लिखेंगे इसको प्रैक्टिस के लिए, ऐसे, ये है च। फिर यहाँ डॉट डालकर हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी पेज में। कैसे लिखेंगे च को, ये हो गया च, ये हो गया च, ये हो गया च। बच्चों मैं अपनी पेज कंप्लीट कर लेती हूँ, तब तक आप लोग भी अपनी पेज को लिखकर कंप्लीट कर लीजिए। मैंने जैसे दिखाया वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।